माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जोड़ी है माशाल्लाह ऊंट की। तो ये वाला यार कितने का है? वो जो बंदा हुआ है ये जो व्हाइट इसके साथ कितने का? 10 लाख। 10 लाख। और ये वाला ये अंकल अंडे देता है। शबाद भाई कह रहे ये अंडे देता है। माशाल्लाह जी एक शेरे पंजाब इसको बोल लें, शेरे पाकिस्तान बोल लें। माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना जबरदस्त बकरा है ये देखे माशाल्लाह कितना प्यारा। ये जी हमले भी करते हैं, मारते भी हैं। प्यारा सा माशाल्लाह जानवर मुझे नजर आया तो बहुत ही खूबसूरत है। ये कजले हैं लंबे लंबे कान वाले ना माशाल्लाह छोटे छोटे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान एहतराम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। जैसा कि आपको पता जी ईद उल अज़हा इधर कुर्बान की आमद आमद है। ईद उल अज़हा हो इधर कुर्बान हो, जानवरों का जिक्र ना किया जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो आज उन्हीं जानवरों को देखने के लिए हम जा रहे हैं जी लाहौर की मंडी मनामे में। वैसे तो लाहौर में काफी मंडियां, हम जा रहे हैं जी मनामे। तो रहिएगा मेरे साथ, आपको मैं वहां पे जाके दिखाऊंगा कि कौन सा जानवर किस रेट में बिक रहा है और कौन कौन सा वहां पे जानवर आया है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लेगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच जाए, शुक्रिया। मेट्रो स्टेशन हम आ गए, अब हम जा रहे हैं जी मंडी की तरफ। ट्रेन पे बैठ के जाएंगे, मेट्रो ट्रेन पे बैठ के मंडी जाएंगे मनावे, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती है मनावे। पहले लेंगे सबसे पहले यहाँ से टोकन, यहाँ से हम करेंगे जी टिकट लेंगे फिर जाएंगे जी अपनी मंजिल। सॉरी ये चले गए जी हमारे 30 रुपीज और ये गए जी 50 रुपीज। आगे जी टोकन, बाहर भी मेरे साथ जा रहे हैं, हम दोनों मिलके जा रहे हैं जी मंडी। खुशबा साहब मजा आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी हमारा प्लान था बाइक पे जाने का, तो मैंने भी बाइकों को समझाया गया यार बाइक पे नहीं जाना गर्मी बहुत है। तो मुझे कह रहे हैं अगर बाइक पे हम जाते तो कितना मजा आना था गर्मी का। गर्मी का ट्रेन से हम उतर गए, अब बैठे हुए हम रिक्शे के अंदर, कल हमें लेके जाएंगे मंडी की तरफ। ये रोड का क्या नाम है? कायदे आजम इंटरचेंज वाला रोड है। यहाँ पे ना दो मंडियां लगती हैं, एक छोटी एक बड़ी। जो बड़ी मंडी है ना भाई कह रहे हैं आपको वहाँ पे छोड़ेंगे, तो वहाँ पे चलते हैं ट्रेन के बाद रिक्शा। बहुत मजा आ रहा है रिक्शे के सफर का भी माशाल्लाह। सुभाष भाई तो मेरा ख्याल है कुछ कुछ क्यों नहीं आप? गर्मी बहुत ज्यादा, गर्मी लग रही है नहीं गर्मी में, इस वजह से आज ज्यादा गर्मी लग रही है मंडी में, तो इससे भी ज्यादा गर्मी होगी। ये सारी मंडी है जी, यहाँ से स्टार्ट होती है मंडी। तो चलते हैं जी मंडी के अंदर, आपको मंडी के अंदर का रिव्यू और जानवरों के रेट दिखाते हैं। ये देखे कितने खूबसूरत बकरे दो लेके जा रहे हैं भाई मंडी के अंदर। गर्मी जो है ना आज, ये देखे सूरज, गर्मी आज इतनी तो खैर नहीं है पर है, इतनी नहीं है जो आम रूटीन में गर्मी होती है ना। मंडी एंटर होते ही ना ये सारे दुम्बे लगे हुए हैं माशाल्लाह, खाना खाने में बिजी है सारे। ये एक ये दुम्बे रे, ये सारी रो है, वो सारी रो दुम्बों की है, ये सारी रो पीछे सारे दुम्बे लगे हुए। वो सामने जा रहे ना बकरे हैं, आपको वो भी बकरे भी दिखाते हैं। दुम्बों के रेट पूछते हैं तो आपको दुम्बों के रेट भी बताते हैं। इसका क्या रेट है? इसका 70,000। 70,000 रुपया रेट है जी माशाल्लाह इसका। ये दुम्बा देखे माशाल्लाह अच्छा है भी है और ताकतवर भी। कितने से स्टार्ट और कितने पे हंडे आपके पास दुम्बा? 85,000 रुपए का। स्टार्ट कहाँ से है? 70 से स्टार्ट है, 70 और 85 के लगभग में ये सारे दुम्बे हैं जी माशाल्लाह। तो ये फाइनल कितने का देंगे आप? फाइनल रेट बताया। अच्छा ये फाइनल रेट है आपके, कोई भी ले ले। ये माशाल्लाह जी एक शेरे पंजाब इसको बोल लें, शेरे पाकिस्तान बोल लें। माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना जबरदस्त बकरा है। तो भाई से ना इसका रेट पूछते हैं और पूछते हैं ये फाइनल किस रेट में देंगे इसको। अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह सर ये आपका अपना घर का पला हुआ है माशाल्लाह जी। तो क्या रेट मांग रहे हैं इसका? कितना? 3 लाख। 3 लाख रुपया माशाल्लाह। तो कितने तक इसको छोड़ेंगे? 2.5 लाख फाइनल। माशाल्लाह जी 2.5 लाख रुपए में भाई कह रहे हैं इसको फाइनल छोड़ेंगे। तो देखते हैं जी ये किसके नसीबों में जाता है माशाल्लाह। छतरों की माशाल्लाह जी कटिंग हो रही है, कितने खूबसूरत छतरे हैं प्यारे प्यारे से। ये माशाल्लाह जी शेरे बब्बर खड़े हुए हैं, इनकी ना कटिंग हो रही है, ये भाई कटिंग कर रहे हैं। तो इनसे रेट पूछते हैं इनके।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जान। क्या रेट है सर इसका? एक लाख नब्बे हजार माशाल्लाह। तो ये क्या है, धुंधा चौक है? तो ये घर के पाले हुए? किधर से लेके आए? सरगोदा। माशाल्लाह सरगोदे के यार छतरे बड़े मशहूर है माशाल्लाह जी। कजले मशहूर? अच्छा इसको कजला कहते हैं? ये कजला लंबे कान वाले कजले होते हैं? कंजले होते हैं जी लंबे। इसका क्या मांग रहे हैं? रेट बराबर ही है। तो ये फाइनल आप कहाँ तक छोड़ेंगे इसको? एक लाख सत्तर सत्तर हजार रूपये। आज मंडी के रेट बहुत ज्यादा हैं जी। मतलब कैंचियां हो रही हैं, फिर उसके बाद कंघी करते हैं माशाल्लाह इसको खूबसूरती के लिए। ये अब कटिंग, ये कटिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। कितने खूबसूरत जानवर हैं, इनके रेट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये सारे, ये जिस जगह पे अब हम खड़े हुए हैं ना, ये सारा छतरे की मार्केट है। ये देखिए ये सारे मेरे पीछे सारे टोटल एंड तक छतरे ही छतरे माशाल्लाह लगे। पहले हम दूसरी साइड पे थे, वहां पे गायें वैड़े वगैरह थे। अब इस साइड पे सारे जो है ना छतरे, दूर दूर तक छतरे ही नजर आ रहे हैं। बाकी ये भी बहुत कमाल मारते हैं, अगर किसी को मारे ना तो बहुत मजेदार मानते हैं। व्हाइट दुम्बे लगे हुए हैं, पहले आपको शुरू में वो दिखाए थे ब्राउन दुम्बे, पहले आपको ब्राउन दुम्बे दिखाए थे, ये सारे व्हाइट दुम्बे लगे हुए माशाल्लाह माशाल्लाह। इनके माथे पे देखे माथा पट्टी बांधी हुई है भाई ने, ये देखे खूबसूरत सी पट्टी बांधी हुई है सबके सरों पे, ये जितने भी खड़े हुए माशाल्लाह। क्या रेट है यार इनके? पैंसठ हजार। कोई भी ले लो भाईजान, कह रहे कि पैंठ हजार का कोई भी ले लो माशाल्लाह। फाइनल है जी? फाइनल रेट है जी इन्हों दे माशाल्लाह। छोटे छोटे से चीने महीने नहीं, ये कजले हैं लंबे लंबे कान वाले ना, इनको कजले कहते हैं। तीन है छोटे छोटे से, तो कितने प्यारे हैं। ये भी यहाँ पे मंडी पे बिकने के लिए आए हुए हैं, तो भाई बता रहे हैं कुर्बानी तो नहीं इनकी होती, वैसे ही ये बिकने के लिए आए हुए माशाल्लाह। कितने खूबसूरत है तीनों। ये राजनपुरी बकरे हैं, बड़े खूबसूरत है यार ये भी बकरे होते हैं। अच्छा ये सबसे शरीफ जानवर ना वो ये होता है, ये वाला सबसे शरीफ जानवर होता है। ऊंट भी मारता है, बड़ा जानवर जो गाय वो भी मारती है, छतरा भी मारता है। सबसे शरीफ जानवर ना वो ये होता है बकरा, ये मारता नहीं। इसको बच्चे भी लेके घूमे बड़े भी लेके घूमे, ये मारता नहीं है। गायें कभी भी धोखा दे देती है यार, वो मारती है। ये देखे ये मैं फिर से छतरा मार्केट में आ गया हूँ दोबारा से, ऊंट मार्केट के बिल्कुल सामने है छतरा मार्केट। ये जिस साइड पे हम इस टाइम खड़े हैं ना, यहाँ पे ये देखे सारे दूर दूर तक ना बड़े जानवर ही है, गायें और पंजाबी में जिसको अच्छा वो कहते हैं क्या नाम लेते हैं कट्टा, सारे वो लाल काला ब्राउन व्हाइट सारे आपको हर तरह का रंग यहाँ पे मिलेगा, हर तरह का जानवर एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर है यहाँ पे। तो हमें ये शबाल भाई कह रहे शरारती जानवर है ये वाला, शक्ल से लग रहा है शरारती, शक्ल से कहते हैं जी मुझे लग रहा है शरारती है, पर मुझे तो ये मासूम लग रहा है। नहीं नहीं भाई, क्योंकि हरकत कुछ नहीं ना कर रहा है, पास जाए प्यार करेगा। नहीं पास तो जाना नहीं ना इनके, पास तो जाना नहीं, इधर से इनको देखेंगे। ये देखे ये थोड़ा शरारती लग रहा है और ये डरा भी, ये देखे लड़ाई करना शुरू हो गए दोनों, इनकी लड़ाई नहीं खत्म हो रही। ये शबाद को पसंद आया ये वाला, तो इसका रेट पूछते हैं। पूछे शबाद भी इसका रेट? जी जरूर। तो इसका शबाद भाई कहते रेट पूछे, तो इसका रेट पूछते। ये तो मुझे ना दांतों से वो लग रहा है चोगा, तो इसका रेट पूछते हैं भाई। तो ये वाला यार कितने का है, वो जो बंदा हुआ है ये जो व्हाइट इसके साथ कितने का? दस लाख। और ये वाला अंकल अंडे देता है, शबाद भाई कह रहे ये अंडे देता है। नहीं तो यार इतना रेट क्यों, इसको गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है, ये क्यों मार रहा है, ये क्यों मार रहा है, ये 10 लाख रुपए इसका क्यों आप मांग रहे माशाल्लाह। तो ये दांतों से क्या है माशाल्लाह, धुंध है, पैसों की बात नहीं है। ये जानवर पूरी मंडी में से देखा है ना माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नहीं, खूबसूरत भी और बड़ा भी है बाकी। तो ये रोया शबाज भाई देखे इसके ना आंखें भी रोया, ये जानवरों को भी पता चल जाते हैं अब कुर्बान होना अल्लाह की राह पे। तो ये देखे ये जो है ना ये बहुत शरारती है, ये मारता है, तो वो जो है ना शरीफ और उसका भाई ने मांग लिया 10 लाख रुपए। इसका क्या मांगा? ये वो मुलाजिम, ये हमने फ्री में भी नहीं लेना, ये हमने फ्री में भी नहीं लेना भाईजान, ये मारता है ये वो मुलाजिम है जो मालकों को पड़ जाते हैं। ये देखे बाज ही नहीं आ रहा, ये वो मुलाजिम है मालकों को पड़ जाते हैं। ये देखे कितने इतने खूबसूरत और कितने कितने बड़े जानवर, ये देखे माशाल्लाह शेर ही बैठा हुआ है, ये देखे माशाल्लाह कितना प्यारा है। ये जी हमले भी करते हैं, मारते भी हैं, प्यारा सा माशाल्लाह जानवर मुझे नजर आया, तो बहुत ही खूबसूरत है, इसको ना बहुत प्यारी डेकोरेट किया हुआ है। तो इसका रेट पूछा, रेट इसका मांग रहे हैं 5 लाख रुपया। हाँ। माशाल्लाह जी एक ये बांधा हुआ, एक ये और मुझे नजर आया यहाँ पे भी, ये देखे कितना प्यारा माशाल्लाह बांधा हुआ है, इसका भी रेट पूछते हैं भाईजान से। तो इसका क्या रेट है? 4 लाख रुपया। ब्लैक वाले का 4 और इसका 5 लाख। तो ये फाइनल कहाँ तक छोड़ेंगे इसको? फाइनल 4.5 का। ये दांतों से क्या है? 4 चोगा, इसको चोगा कहते हैं। और ये वाला? ये धुंधा है। ये धुंधा है माशाल्लाह जी, ये 4.5 का फाइनल मिलेगा और चोगा है।
और ये अजीत धोंदा ये आपको मिलेगा फाइनल 3.5 लाख रुपए। इतनी गर्मी में फिर के हमारी मत बजी हुई थी, ये देखे परसीने कमाल के परसीने, तो रेट भी यहाँ पे माशाल्लाह जी जानवरों के बहुत कमाल है। तो गर्मी को दूर करने के लिए बोतल ली है, बोतल पी रहे हैं, तो आगे आपको दिखाते हैं रिव्यू, ऊंट वगैरह के भी रिव्यू दिखाते हैं। तो गर्मी के लिए हमने ये सोल्यूशन निकाला है बोतल का। पहले आपको दिखाई गाय वाली मंडी, फिर दिखाई बकरे वगैरह, अब आए जी ऊंट वाली मंडी में। ये मेरे सारे पीछे देखे ऊंट ही ऊंट लगे हुए हैं, इनसे रेट पूछते हैं ऊंटों के क्या रेट चल रहे हैं, ऊंटों के आपको बताते हैं फिर ऊंटों के रेट। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जोड़ी है माशाल्लाह ऊंट की, दोनों की हाइट और खूबसूरती देखे माशाल्लाह। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये सारी ऊंट वाली मार्केट है, ऊंट मंडी है यहाँ पे। ये देखे माशाल्लाह कितनी प्यारी जोड़ी मेरे पीछे खड़ी हुई है, ये माशाल्लाह खूबसूरत सी जोड़ी, ये सारा टोटल ऊंट बंधा हुआ है यहाँ पे, टोटल दूर दूर तक देखें तो ऊंट ही ऊंट नजर आएगा आपको माशाल्लाह। पहले आपको दूसरी मंडी दिखाएंगे, अब पूछते हैं ऊंट के रेट, तो इस साल ऊंट के क्या रेट चल रहे हैं माशाल्लाह, फिर आपको ऊंट भी दिखाते हैं मजे मजे से। ये सबसे पहले तो ये खूबसूरत सी जो जोड़ी हमें नजर आई है ना, ये तो देखे ना कितनी खूबसूरत है, इसके रेट पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या रेट है इन दोनों का? बोते का 10 लाख, दूसरे का 8 लाख, टोटल 18 लाख रुपया। इसमें को कमी पेशी होगी कितनी हो जाएगी? इसमें होगी आप उसका बताएं क्या मांग के करेंगे फाइनल? उसका जी उसका फाइनल करेंगे 4.5। 4.5 लाख रुपए का माशाल्लाह जी। तो ये क्या है, दांतों से क्या है? ये चोगा है। और ये वाला? ये भी चोगा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जोड़ी है जी, दोनों चोगे हैं। तो इनका रेट है 10 लाख रुपया, उसका रेट है 8 लाख रुपया। इस मंडी में ऊंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस रेट से स्टार्ट हो रहा है ऊंट? सर ऊंट ऊंट का रेट है कोई अंदाजन किस रेट से स्टार्ट हो रहा है? 3 लाख से लेकर 3 से लेकर तकरीबन 7-8 लाख तक, 9 लाख तक सेल हो रहा है। अच्छा है माशाल्लाह इस मार्केट में माशाल्लाह। तो आपके पास ये दो ही है कि और भी यहाँ पे? माशाल्लाह आप दो ही लेके हैं माशाल्लाह जी, ये दो ही लेके हैं, अल्लाह ताला इनमें बरकत दे इनको, और भी दिखाते हैं ऊंट। बहुत शुक्रिया चाचू। आज ये देखे जी ये ना ये काटते भी बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, बहुत प्यारे हैं, कुछ ना डेकोरेट हुए हैं, कुछ डेकोरेट के बगैर ही हैं। आपको मैं दूसरे व्हाइट ऊंट भी दिखाता हूँ, ये माशाल्लाह देखें जी व्हाइट कलर के ऊंट कितने खूबसूरत हैं। इनके रेट पूछ के बताता हूँ आपको, छोटे हैं पर इतने बड़े नहीं है, ये भी जोड़ी है। अच्छा देखने से ऐसे लगता है जैसे जराफा बंधा हुआ है। चाचू यार ताड़े ऊंट ने माशाल्लाह, ते की मंगदे पे जोड़े दा? 6 लाख दोनों दा? दोनों दा। ते की फाइनल हो जाएगा दोनों दा? ते दंदो की ने? दंदे दो मई दो। माशाल्लाह जी बड़े खूबसूरत है व्हाइट कलर के, मेरा बहुत दिल आया इन पे। तो की रेट दसिया जे? 6 लाख। 6 लाख मांगा जी दोनों का भाई ने, दोनों ही 6 लाख है। मैं तो डर डर के गुजर रहा हूँ यहाँ से ना, ये टांगे भी बहुत मारते हैं। ऊंट काफी हैं यहाँ पे, काफी बड़ी मार्केट है और सारी ऊंटों से भरी हुई है। ये देखे माशाल्लाह कितने खूबसूरत है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये वाले देखे जरा, ये वाले ऊंट देखे आप, ये माशाल्लाह बड़ा है। इसको ये कितने के है? 8.5 लाख। 8.5 लाख रुपए का? 8.5। ये भी उससे महंगा वाला ये है जी, ये दूसरे नंबर पे महंगा, ये भी अच्छा है ऊंट माशाल्लाह। ये देखो ये सिंधी जानवर खड़ा है, इसका क्या रेट है? इसका 6.5 लाख है। 6.5 लाख? वो धुंधा ने, चौगा ने। ये चौगा 6.5 लाख रुपया। ये क्या खा रहे हैं? ये तूरी खा रहा है। तूरी? अच्छा ये तूरी और तरह की होती है इनकी, वो जो बकरे वगैरह खाते है वो और होती है, ये और होती है जी तूरी। मेहरबानी, ये देखे लाइन से ना ऊंट बंधे हुए हैं, कितने ज्यादा ऊंट है यहाँ पे ना, ऊंट बकरा, ये छोटे जैसा साइज आप चाहेंगे ना ऊंट का वैसा साइज भी मिलेगा। ये देखे छोटे छोटे ऊंट भी हैं, बड़े ऊंट भी हैं, एक ये ऊंट बैठा हुआ है। ये सारी देखे मंडी जी ऊंटों से भरी हुई है, ये ऊंट है इस साइड पे सारे बकरे छतरे हैं। तो दूसरी साइड पे आपको मैंने दिखाया था वो लास्ट पे ना गाय वगैरह, मंडी शुरू होते ही दुम्बे हैं, दुम्बों को साथ लिया जी, गाय वगैरह भैंस वगैरह। तो ये यहाँ पे आते हैं जी ऊंट, ये देखे कितने खूबसूरत, ये खूबसूरत है माशाल्लाह, व्हाइट से और चिट्टे गोरे से ऊंट, कितने खूबसूरत बड़े बड़े से ऊंट है। ये भी बड़ा प्यारा है, दिल कर रहा है इनको देखो, ले लो, खरीदो, कुर्बानी करो, पर भाईजान हम कुर्बानी ले आए हुए हैं। ये इसको पानी पिला रहे हैं, इसको मुंह खोल के ना कहते हैं जी, ये काफी दिन पानी स्टॉक रखता है तो ये अपने आप पानी नहीं पीते, उनको इस तरह ही पिलाना पड़ता है। देखिए किस तरह उसका मुंह पूरा खोल के तो पूरे जग भर के पिला रहे हैं। ये पूरी बाल्टी भरी हुई थी जो इसको पिलाई जा रही है।
बड़ा प्यारा बना है यार ये भी, अच्छा खूबसूरत है। ये इनका बंडा भरा हुआ है। ये क्या चीज खिला रहे उसको? तूड़ी है, चटाया की, चने की तूड़ी। अच्छा इसकी ये वाली तूड़ी होती है, सूर्यमुखी की तूड़ी। तो ये क्या चक्कर है, ये लाडले होते हैं, इनको खुद ही खिलाना पिलाना पड़ता है? नहीं लाडले भी होते हैं, जंतर खाते हैं। तो ये खुद ही आप खिला रहे हो ना, खुद ही नहीं खा रहा? जंतर खाते। तो ये खुद ही नहीं खाते ये वाला? ये खुद खाते। तो आप खिला रहे हो ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये लाडले तो नहीं प्यार से तो नहीं पाले हुए? इसलिए आप खुद ही खिला रहे हो हाथ से? भाई कहते हैं हमने खुद ही पाले होते हैं, देखे भाई खुद उसके मुंह में हाथ डाल के तो उसको खिला रहे हैं, तो हम जैसे तो खुद इससे डरेंगे। वो पानी पिला रहे थे और ये भाई इसको खाना खिला रहे हैं, देखे और ये खाई भी जा रहे हैं। ये होते हैं नवाब, साहबजादे नवाब होते हैं ये, इनके इसी तरह ही है। मैं भी ये ले रहा हूँ, कुर्बानी तो करनी है, अगले साल देखेंगे। तो खैर मंडी मैंने आपको दिखाई, बहुत मजेदार थी, रेट भी इनके बहुत मजेदार है जी भाई साहब, इस साल रेट बहुत इनके अप है, जानवर भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत है, रेट भी इनके बहुत ऊपर है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ताला आपके रिस्क जान माले में बरकत दे, अल्लाह ने कहा।